सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को ही पुलिस ने फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट से 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने भट्ट से सुशांत की गर्लफ्रेंड रेहा चक्रवेदी से संबंधों को लेकर सवाल किए। इसके अलावा महेश भट्ट ने से पूछा गया कि क्या वह अपनी आने वाली फिल्म सड़क 2 में सुशांत को कास्ट करने वाले थे। 11 बजे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे महेश भट्ट लगभग 1 बजे वहां से बाहर निकले। 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने कई खुलासे किए। महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि साल 2018 में मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर सुशांत ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि मुझे आपसे मिलना है। सुशांत ने कहा था कि मैं आपको यूट्यूब चैनल के लिए कुछ वीडियो बनाना चाहूँगा। सुशांत ने जब यशराज छोड़ी तो उसने इच्छा जताई थी कि वो किसी अच्छी फिल्म में काम करना चाहेगा, लेकिन ऐसी कोई फिल्म आ ही नहीं सकी, वर्कआउट नहीं हो सका, ऐसा कभी कुछ बन नहीं पाया। इसके बाद दोनों की मुलाकात 2020 में हुई थी। भट्ट ने पुलिस को ये बताया कि सड़क 2 में सुशांत को कास्ट करने को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, हालांकि सुशांत ने काम करने की इच्छा जरूर जाहिर की थी। सुशांत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर खबरें छाई हुई हैं कि महेश भट्ट ने एक्टर को बॉयकॉट किया हुआ था। इसके अलावा रेहा चक्रवेदी और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप में महेश भट्ट का हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। खबर तो ये भी कहती है कि महेश भट्ट ने एक बार सुशांत की मौत को लेकर बयान दिया था। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि महेश भट्ट ने रेहा ने सुशांत को छोड़ने को कहा था। महेश भट्ट ने अपनी पूछताछ के दौरान ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की। पुलिस ने जब इस बारे में महेश भट्ट से पूछा तो उन्होंने ऐसी तमाम बातों को खबरों को अफवाह बताया। रेहा को लेकर महेश भट्ट ने कहा, रेहा मुझे अपने पिता के समान मानती है, मैं रेहा के लिए एक गुरु समान हूँ, मेरी और मेरी वकील और केवल काम करने को लेकर चर्चा होती है। रेहा और सुशांत की निजी जिंदगी के बारे में मैंने कभी चर्चा नहीं की। सुशांत के डिप्रेशन की बीमारी को लेकर भी कभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। खैर, महेश भट्ट के जवाबों के बाद तो यही लग रहा है कि जैसे सुशांत और उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि अगर ज़्यादा कनेक्शन दोनों के बीच नहीं था तो फिर महेश भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कैसे कर दी थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।